कहाँ से आए हैं सर आप? मैं सहरसा सुनील बख्तियारपुर से आया हूँ। सहरसा से आए हैं, यहाँ के बारे में कैसे आपको पता चला? YouTube चैनल के जरिए हम देखते थे और यहाँ कौन कौन से नस्ल का बकरिया आप ले लिए हैं? ब्रीडर नस्ल वो इसका है, बेरी बेरी का है। अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं आप? हाँ, अभी शुरुआत ही है। कितने बकरियों से शुरुआत कर रहे हैं? अभी 7 बकरी ले जा रहे हैं, एक ब्रीडर है, 8 है। इससे अगर बढ़िया और हुआ फायदा हुआ तो। एक ब्रीडर जो लिए है वो कौन से नस्ल का लिए? ये बर्बरी है। बर्बरी लिए? हाँ। क्या अब योजना है आने वाले समय में और बड़े स्तर पे काम करेंगे आप? हाँ, इसे अभी छोटे लेवल से शुरुआत ही हम कर रहे हैं, अगर इससे ज़्यादा फायदा हुआ सब कुछ हुआ तो फिर आगे क्या जाएगा। बड़बड़ी नस्ल का बकरिया लिए? जी जी, आगे फिर इसी चीज़ से फिर बढ़ाएंगे आगे। जो भी यहाँ पे आने वाले लोग हैं जो अगर बकरी पालन अगर करना चाहेंगे तो उनको आप क्या सलाह देंगे कि करे या नहीं करे, या फिर यहाँ से कैसा आपको रिस्पॉन्स मिला? नहीं नहीं, यहाँ पे सही है, हर तरह के नस्ल मिल जाते हैं और आपको अच्छे से यहाँ सलाह भी दी जाती है। आपको जो डोज है या जो भी है बहुत अच्छे से बताया जाता है, कभी भी आप कॉल कीजिए, हमेशा ही लोग हाजिर रहते हैं। मतलब यहाँ से सेटिस्फाइड है? बहुत अच्छे से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इतनी सारी जानकारी देने के लिए। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे बकरियाँ लेने के लिए और आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए पहले, उसके बाद बताइए। हम देसरी से आए हैं, यूट्यूब पर देखे थे इनके बारे में। क्या नाम हुआ आपका? अभिजीत कुमार। कैसे यहाँ के बारे में कैसे आपको पता चला? यूट्यूब पर देखे थे। यूट्यूब पर देखे? हाँ, यूट्यूब पर। क्या कौन सी नस्ल का बकरियाँ आप यहाँ से ले जा रहे हैं? सिरोही एक लिए है, बरबरी 2 लिए है और ब्रीडर एक लिए है बरबरी का। कितने दिनों से फार्मिंग कर रहे हैं? हम तो मुर्गी फार्म चला रहे थे लेकिन अभी फर्स्ट बार ले जा रहे हैं, बंद कर दिए। ये गोट फार्मिंग के बारे में कैसे ख्याल आया, कैसे गोट फार्मिंग उतरे ये बताइए थोड़ा। यही देख के, यूट्यूब पर देख के हमको मन में आया कि करें गोट फार्मिंग करें। अभी बरबड़ी आप ले जा रहे हैं तो इसके लिए ब्रीडर की भी आवश्यकता होगी क्या? ब्रीडर आपने लिया है? हाँ, लिए है ब्रीडर। ब्रीडर भी लिए है? कैसा रिस्पॉन्स मिला उन्नत गोट फार्म में आप आए हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिला? अच्छा है, बहुत बात व्यवहार सब हर चीज़ अच्छा है। इससे पहले यहाँ पे आए थे कब? नहीं, फर्स्ट बार आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए। देखिए सर जी, सबसे बड़ी बात होती है क्या कि अभी तो हम लोग जो प्रचार का माध्यम करते हैं, प्रचार जो करते हैं वो YouTube के माध्यम से करते हैं और आप लोग के चैनल के माध्यम से ही हम लोग का प्रचार होता है कि हाँ किसके फार्म पे कैसी क्वालिटी मिलती है। अभी तक लोगों ने जो जितना भी फार्म देखा होगा, शायद मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो बड़बड़ मिले, आपने ये सवाल पहले किया था कि आपके यहाँ ही लोग क्यों आए और आपके यहाँ बकरी जो महंगी बिकती है वो महंगी बिकने का कारण क्या है। हम आपको रियल में ये पहचान करवाएंगे कि बकरी क्या चीज़ होती है, स्पेशली बड़बड़ी, और बड़बड़ी की क्वालिटी कैसे पहचानी जाती है और बकरी कैसी होती है वो आप देख सकते हैं। देखिए सर, हमारे यहाँ की ये बकरी है, आप इस बकरी को देख सकते हैं, कम्प्लीटली कान खड़ा, लगभग इसका जो कान की जो लंबाई है वो 1.5 इंच की है। ये बकरी हमारे यहाँ प्रेग्नेंट है। आप इसकी हेल्थ भी देख लें, इसकी हेल्थ देखिए, इसकी लंबाई और चौड़ाई देखिए, देख रहे हैं? उसके बाद ये पीछे देखिए, ये पीछे देखिए, एक तनिक भी बाल नहीं, मतलब एक छोटी बाल जो कहा जाएगा उसके पीछे नीट एंड क्लीन एकदम है। ये हुई बरबड़ी की फुल एंड फाइनल क्वालिटी, जिसको बोल सकते हैं कि सर जी 100% 10 क्वालिटी में है सर जी, शायद ऐसी बरबड़ी कहीं ना मिले। अब इस क्वालिटी की बरबड़ी को अगर आप खोजते हैं कि सर जी 300 मिल जाए, 400 रुपये मिल जाए, तो क्या यह संभव है? जिन भी ट्रेडर लोग के पास बकरी मिलती है, शायद मेरे ख्याल से 100 फार्म पर जाएंगे तो ऐसी बकरी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है कि वो बकरी सर जी महंगी होगी। हमने भी कहीं से खरीद के मंगाया तो सर जी, तो वो तो महंगे ही मंगाया ना। अगर क्वालिटी अगर अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि सर जी वो महंगा होगा। सस्ता लेंगे तो सर जी सस्ते का सामान सस्ता की तरह होगा, महंगा सामान महंगा की तरह होगा। और भी मेरे पास ढेर सारी बकरी है, इधर भी देख सकते हैं। देखिए देख रहे हैं, कम्प्लीटली 100% रॉकेट कान में कम्प्लीटली कान खड़ा है। इसकी खूबसूरती को देख सकते हैं, इसकी कलर को देखिए, इसके पीछे में देखिए, तो इसे कहते हैं सर जी बड़बड़ी की क्वालिटी। अब इस क्वालिटी को कोई बंदा अगर ये कहे कि हाँ 300 रुपये किलो माल मिलता है सर जी, तो ये तो सोचने वाली बात हो जाती है। अगर 300 रुपये किलो हमें मिल जाए इस तरह का माल, 400 रुपये किलो मिल जाए सर जी, हम तो 100 पीस कभी भी लेकर रखने को तैयार है सर।